नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेसरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज का हमारा जो डिश है ये है बिल्कुल मिक्स सब्जी का चोखा। जैसे में क्या होता है, कभी कभी हम सब्जियां लाते हैं और बनाते रहते, थोड़ी थोड़ी हमारी सब्जी बच जाती है और वो समझ में नहीं आता कि उस सब्जी को हम किस में मिक्स करके बनाए। तो ये हमारे साथ भी हुआ। हमारी बिटिया बोली कि मम्मी आप थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां हैं। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं इससे बहुत बढ़िया आप लोग को चोखा बनाऊंगी और आप लोग उसी से भोजन कर रही है। तो इसके लिए देखिए मैंने जो जो लिया है मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आलू लिया है, बिल्कुल मैंने छील लिया है, छील के धुल लिया है। यहाँ मैंने चार टमाटर भी ले लिया है और ये तीन चार परवल बचे थे, इसको भी मैंने ऊपर से हल्का हल्का ऐसे छिलनी से इसको मार दिया, जिसे थोड़ा सा ऊपर से जो ये एक परत होता है ना वो साफ हो गया, छिली नहीं हूं। और इसके बाद ये दो चार पांच सात बीन्स है उसको भी मैंने ले लिया है। ये थोड़े से कद्दू बचे थे उसको भी मैंने ले लिया छील करके। और ये लौकी है ये भी थोड़ी सी बची थी, इसको भी मैंने छील कर लिया। और ये जो बैगन है ये देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको छील करके ऊपर से, मैं वैसे जब भी चोखा बनाती हूँ तो छील के डालती हूँ, ताकि क्या होता है कि जब हम लोग बनाते हैं और डालते हैं तो ये छिलका सहित बैगन गल जाता है तो वो ठीक नहीं लगता है। और अब हम लोग ये सारी सब्जियों को कुकर में डालेंगे, तो आइए डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बैगन डाली, फिर बीन्स, परवल और जितने भी सब्जी है इसी में, ये हमारी कद्दू और लौकी। और ये चोखा बहुत टेस्टी बनेगा। आप जब भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाए आप ऐसे ही चोखा बना सकते हैं। और उसको आप अगर इस चोखे को आप चाहें तो बाटी के साथ भी खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चम्मच राई का तेल डाल दे रही हूँ। इसमें नमक मत डालिए, नमक हम जब भी चोखा में ऊपर डालते हैं उसका स्वाद बहुत सुंदर लगता है। और आप इच्छा चाहे तो डाल सकते पर मत डालिएगा, बाद में ही डालिएगा। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हमने तेल डाला है उसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे इसको चला देंगे तो इसमें मिक्स हो गया। और अब हम लोग कुकर को बंद करेंगे और इसको कम से कम तीन से चार सीटी हम लोग लगाएंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां इसमें भून के तैयार हो जाए। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, हमारी जो भी सब्जी है सब पानी छोड़ेगी और उसी से तेल के सहारे ये भून के हमारा चोखा तैयार होगा। और तो यहाँ पे कुकर हमने गैस पे चढ़ा दिया है और इस पे तीन से चार सीटी लगना जरूरी है क्योंकि हमारी सारी सब्जियों को भुनना इसमें जरूरी है। और इसके बाद मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है और पानी डालने से क्या होता है कि जो हम चोखा बनाते हैं बिल्कुल उसका स्वाद जैसे अच्छा नहीं लगता है और जो हमारा खुद का पानी छोड़े सब्जी और वो भुनता है तेल के सहारे वो बहुत अच्छा लगता है। पहले हम थोड़ा सा प्रेशर गैस को पकड़ाने के लिए कुकर का तेज आंच करेंगे 5 से 7 मिनट। जब हमारी सीटी प्रेशर पकड़ लेगी तो इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगा देंगे। और बीच बीच में क्या करना है हमको, कुकर को ऐसे हिला देना ताकि हमारी जो सब्जी है नीचे ना पकड़े, वैसे भी पानी छोड़ेगी सब्जी तो नीचे नहीं पकड़ेगी। तो यहाँ हमारा हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है, इसको हम लोग खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जितना भी था हमारी जो हमने सब्जी डाली थी सब बिल्कुल बढ़िया से इसमें भुन चुकी है। और अब ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है हम इसी में सारे को मसल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टमाटर का छिलका है इसको हम लोग अगर निकलता है तो निकाल देते हैं और निकल जाए तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है तो इसको निकाल करके हम लोग अलग रख लेते हैं। और बाकी तो किसी चीज में छिलका है नहीं तो हम इसको ऐसे ही इसमें इनको देखिए कैसे मैश हो जा रहा है और इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। और जो सब्जी का पानी खुद का होता है उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है और जो हम लोग ऊपर से पानी डाल देते हैं उससे इसमें स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं आता है, वो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। और ये खुद के पानी में जो उबले वो बहुत बढ़िया होता है। तो देख रहे हैं बिल्कुल सब उबल गया है और ये बीन्स भी हमारा उबल गया है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा मिला लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां सारी मिल चुकी हैं और ये चोखा बहुत सुंदर लगेगा खाने में। और सच में पूछिए कि आप इसको दाल चावल रोटी सब्जी या फिर आप अगर बाटी भी साथ खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं और बहुत बेहतरीन मिक्स चोखा सब्जी का। और थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाए तो उससे जब कुछ ना सूझे बस फटाफट चोखा बना लिया। देखिए सारी सब्जियां मिल चुकी है और लग रहा है कि बिल्कुल आग का भुना हुआ ये चोखा तैयार हो रहा है। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी डाले ना कुछ भी, ये सारा भुन के तैयार। अब इसको हम लोग अलग बर्तन निकाल के और जो हमको इसमें मिलाना है सामग्री वो मिला लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सब कुछ मिक्स हो चुका है, सारी जो भी हमने इसमें सब्जी ली थी। और अब इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या मिलाना है वो मैं दिखला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बारीक प्याज काट लिया है, और इसके बाद मैंने ये जो लाल मिर्ची है ना, हम लोग के गांव में चोखा में लाल मिर्ची भून के पक्का डालते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि अब अगर आप शहर में हैं इसको भूनेंगे तो सरकता है, तो मैं एक उपाय बता रही हूँ। आप इसको क्या करें कि इसमें थोड़ा सा राई का तेल लगा लें और उसको धीमी आंच में गैस पर भूनेंगे, बिल्कुल नहीं सरकेगा आपका ये, और आपको भून के मिर्ची तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे दो मैंने मिर्ची ली है लाल खड़ी, और लहसुन लिया है, अदरक और हरी धनिया, हरा मिर्च, और ये स्वाद अनुसार नमक जो हमको खाना है वो थोड़ा सा लिया, और यहाँ पे काला नमक लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये राई का तेल, वैसे तो पहले भी मैंने डाला है, फिर थोड़ा सा कच्चा तेल डालने से उसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और मैंने वैसे भी बैंगन का चोखा जो बनाया आप लोगों ने उसको बहुत बढ़िया देखा और उसको लाइक किया, तो आप मेरे इस चोखे को भी लाइक करिएगा और जरूर बना के ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, धनिया भी डाल रही हूँ, हरी मिर्च भी डाल दी, और ये प्याज डाल दी। अगर आप और चोखा को ऐसे ही बनाए, चोखा का स्वाद बिल्कुल ऐसे ही अच्छा आता है। और यहाँ पे लिया हमने नमक, थोड़ा सा लगता है नमक कम हमारा है क्योंकि चोखा थोड़ा ज्यादा है। और ये जो मिर्ची भुनी है इसको बस हम लोग ऐसे ऐसे हाथ से तोड़ देंगे, और क्योंकि भुनी हुई है तेल लगा करके तो ये बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। और ये जो हम लोग थोड़ा सा लाल मिर्ची भून के डाल देते हैं तो इससे स्वाद चोखे का बहुत सुंदर आता है। और हम लोग के गांव में बिना लाल मिर्ची डाले ऐसे भुने चोखा नहीं तैयार करते हैं, क्योंकि लोग गांव में थोड़ा तीखा खाते हैं, कम ही खाते हैं। और देखिए मैंने इसको सब इसमें मिला दिया है, और आप देख सकते हैं कि मेरा एकदम टेस्टी चोखा तैयार हो चुका है और बहुत कम समय में। तो आप लोग भी इसको जरूर कुकर में भून के ऐसे ही चोखा बनाएं और बना करके जरूर खाएं, और अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग के अनुभव का हमें इंतजार रहता है और आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहता है, जिससे कि हम और बेहतर और बढ़िया करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।